अगेन जहां हम थे हमारी कुकिंग एक्सपर्ट सीमा जी के साथ, उनकी पहली रेसिपी बुंदेलखंडी टच के साथ, इनफैक्ट कंप्लीट बुंदेलखंडी रेसिपी जिसे फरा का नाम दिया गया, वो हमने सीखा, टेस्ट ले लिया मैंने, बहुत ही सिंपलिसिटी के साथ एक क्लासिक टेस्ट था उसका। तो अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी रेसिपी की ओर, जिसमें मुझे दिख रहे बहुत सारे कलरफुल इंग्रेडिएंट्स, और सबसे अच्छी बात ये काफी हेल्दी हेल्दी फील हो रहा है, मुझे देखकर ही काफी हेल्दी फील हो रहा है। क्या है इसके बारे में बताइए। हाँ शिल्पा, ये हमारी जो डिश है वो मेक्सिकन सैलेड फिएस्टा है। फिएस्टा मतलब सारी चीजों का एक मिक्सचर कह सकते हैं, मेला कह सकते हैं, मेला कह सकते हैं जी। और इसीलिए हमने सारी चीजें इसलिए मिक्स करी हैं कि बच्चे हमेशा फास्ट फूड पे ज्यादा जोर देते हैं। Exactly. तो इसमें वेजिटेबल्स भी है, सैलेड की चीजें भी है, ताकि वो उनको सारी न्यूट्रिशन। तो अगर आपको टेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, जो कि इंदौर आकर तो आप भूल जाइए, इंदौर में हर चीज आपको टेस्टी मिलेगा, तो हम बिना कॉम्प्रोमाइज के कुछ नया बना रहे हैं, जैसा हमारी कुकिंग एक्सपर्ट ने बताया, नाम भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे? हाँ देखिए, हम आपको बात बताते हैं। ये तो बॉइल्ड काबली चना है, बॉइल्ड मूंगफली है, बॉइल्ड देसी चना जी, टमाटर, क्रीम, हरी मिर्च जी, गाजर, खीरा जी, बॉइल्ड कॉर्न, प्याज, इसके बाद ये बॉइल्ड कैप्सिकम, शिमला मिर्च, बॉइल्ड पत्ता गोभी, हरा धनिया जी, अनार के दाने, टोमेटो सॉस जी, पिसा भुना हुआ जीरा जी, नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च और ये चाट मसाला, ये सारे चीज हम मिक्स करेंगे। इसको दो तरीके से निकालते हैं, यदि आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो आप चूंकि बॉयल है तो आप सारी चीज मिक्स करके खा सकते हैं। शुरू करें प्रोसेस। बिल्कुल ठीक। तो हम थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लेंगे, बहुत ऑयल भी नहीं, आपको देखेंगे ऑयल ओनली वन टी स्पून ये डाला। इसके बाद हमने एक काबली चने बॉयल, जिसने हमको बनाना है जी, हमने बॉयल तो ज्यादा किए हैं, अब ये जितने हमारी इच्छा होगी उतना हम इसको फ्राई करेंगे। ये देसी चना डाला जी, मूंगफली, ये बॉयल मूंगफली अच्छी रहती है जी, हेल्थ के लिए भी जी। और जो हमने बॉयल ये पत्ता गोभी जी इसको कर लेंगे, ताकि इसका टेस्ट कच्चा ना स्वाद आए जी। ये शिमला मिर्च, बाकी चीजें हम बाद में जब ये इसको बंद कर देंगे तब मिक्स करेंगे। ओके, उनको नहीं पकाना है, इनको थोड़ा सा कर लेंगे, इसको थोड़ा सा और थोड़ा सा भून लेंगे, ताकि इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए जी। इसको ज्यादा नहीं करना है, ये हो गया। अब आप इसको हमने एक तरीके से हमने इनका कच्चापन खत्म कर दिया, कच्चा और हल्का फ्राई कर, हल्का फ्राई कर। अब ये हमारा सैलेड तैयार हो गया है जी। अब हम इसमें बारी बारी से सारी चीजें मिक्स करेंगे, इसको हल्का सा फ्राई किया है, डीप फ्राई नहीं कर सकते इसको। अब हम इसमें थोड़ा सा टमाटर, गाजर, ग्रीन चिली, अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा चाहिए तो डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई नेसेसरी नहीं है। कॉर्न जो हमने बॉइल किए थे ये थोड़े से डालें, टेस्ट के लिए, कलरफुल बनाने के लिए। बिल्कुल। खीरा ये डाला जी, ओनियन कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, तो ये अपनी चॉइस पर है। अब हम थोड़े थोड़े ये मसाले डालेंगे, जीरा पाउडर हल्का सा जी, क्योंकि सैलेड में जीरे का हल्की सी खुशबू आए जी। लाल मिर्च जी, तो बिल्कुल ये जरा सी ये डाली, सॉल्ट स्वाद अनुसार, और ये चाट मसाला, चाट मसाले से खट्टा मीठा स्वाद आएगा आपको जी, फ्लेवर भी चेंज हो जाएगा। अब हम सबको बारी बारी से ऐसा मिक्स करेंगे, ताकि कोई चीज एक सा टेस्ट आए। यदि आप चाहते हैं थोड़ा सा क्रीम का टेस्ट आए, और इसमें जरा सा टोमेटो सॉस ये देखिए हमने जी, तो इससे क्या होगा, एक कलर है। और इसको अच्छे से पीट, और इसमें हरा धनिया इसी में मिक्स कर लीजिए, और ये इसमें हमने सारा पूरा
दोनों को मिक्स कर और अब इसको सैलेड तैयार है। अब हम ऊपर से इसमें अनार के दाने जो हमने पहले से रखे हैं और हरा धनिया चाहे तो आप ऊपर से और डाल सकते हैं, अदरवाइज हम ऑलरेडी मिक्स कर चुके हैं, मुझे इसकी जरूरत नहीं। ये हमारा मैक्सिकन सैलेड ये तैयार है। अब ये हमारा मैक्सिकन फिएस्टा सैलेड तैयार हो गया है और अब आप शिल्पा जी इसको टेस्ट करके बताइए। तो मैक्सिकन फिएस्टा सैलेड तैयार है क्योंकि इसमें हमने फ्रूट्स भी ऐड किया, हमने नट्स भी ऐड किया, हमने वेजीज भी ऐड किया। तो आप सोच सकते हैं कि बताते बताते मुझे कितनी हेल्दीनेस वाली फीलिंग आ रही है। तो अब मैं देखती हूँ मेरे चम्मच में सारी चीजें आ जाए, नट्स भी, फ्रूट्स भी, वेजीज भी। ये लिया मैंने एक अनार, एक छोले देसी चने के साथ। थोड़ा सॉल्ट कम लग सकता है क्योंकि सबका चॉइस अलग रहती है। Exactly. कुछ लोग ज्यादा सॉल्ट लेते हैं तो एक्स्ट्रा ऊपर से डाल सकते हैं। ये क्या है कि आपने चाट मसाला डालकर उसे ओवरकम कर दिया। हाँ, चाट मसाले से ये है कि फिर जरूरत नहीं है अलग से एक्स्ट्रा सॉल्ट लेने। Exactly. और हल्का सॉस हमने डाल दिया है तो काफी अच्छा मिक्सर है भाई। मतलब आप सोच सकते हैं कि इस घर में हर तरह की वैरायटी बनी जाती है। मतलब अगर किसी को ट्रेडिशनल फूड खाना है तो ट्रेडिशनल, यंगस्टर्स के लिए आप इस तरह से बना सकते हैं। तो ये खिलाती कुछ एक्सपर्ट, मतलब हर चीज में एक्सपर्ट, हर किसी का दिल जीतने में आप माहिर हैं। तो चलिए, आपने हमारा दिल जीता, हमारे दर्शक का दिल जीता आपके लिए छोटी सी मेमोरी के रूप में। थैंक यू वेरी मच। ताकि आप भी अपनी ब्यूटीफुल बिल्कुल कुछ जरूर पहने। बिल्कुल, इसके लिए ये तो बहुत जरूरी चीज है ना। जी, कहीं हम जा रहे हैं फिर हमारे कपड़े खराब हो रहे हैं। जी, जी, तो जी, बिल्कुल बहुत। और पिंक कलर क्योंकि फीमेल का फेवरेट होता है, इसलिए हम पिंक कलर। एग्जैक्टली, गर्ल्स लाइक पिंक कलर। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आपके साथ आकर आपकी बढ़िया रेसिपीज शेयर करके। और मुझे उम्मीद है कि जब हमारे दर्शक हमें बनाएंगे आप उनके जहन में जरूर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक्स शिल्पा जी। मैक्सिकन सलाद फिएस्टा बनाने के लिए हमें चाहिए उबला हुआ देसी चना, उबले अमेरिकन कॉर्न, हल्की उबली पत्ता गोभी, हल्की उबली शिमला मिर्च, बारीक कटा प्याज, बारीक कटे टमाटर, किसा हुआ गाजर, बारीक कटा खीरा, बारीक कटा हरा धनिया, मलाई, चाट मसाला, काली मिर्च पाउडर, अनार के दाने, बटर और शुद्ध घी, उबली मूंगफली और उबला काबुली चना। सबसे पहले पैन में तेल गर्म करें, उबले काबुली चना, देसी चना, उबली मूंगफली डालें, उबली पत्ता गोभी, कटी शिमला मिर्च डालकर एक से दो मिनट पकाएं। इसमें कटे टमाटर, किसा हुआ गाजर, खीरा, बारीक कटे प्याज डालें, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर, नमक और चाट मसाला डालें, अच्छे से मिलाएं। क्रीम में टमाटर सॉस, हरा धनिया डालकर सभी को एक साथ मिक्स करें। अनार के दाने और हरा धनिया डालकर गार्निश कर सर्व करें।